सो गुड आफ्टरनून, और बहुत बढ़िया टॉपिक एनिमल किंगडम लेक्चर वन। देखिए कितने सारी तरह के जानवर आज हम लेकर आपके सामने आ गए हैं। हाथी भी है, जिराफ भी है, और ये क्या है, ये तो वाइल्ड एनिमल्स भी हैं और बीच में बर्ड्स भी हैं। कितने सारी तरह की मैं चीजें आपके लिए लेकर के आ गया हूं। ठीक, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, शक्ल दिखाई दे रही है, हेलो बोलिए। कुलदीप है, सुहानी, राज मिश्रा, जावेद, हिमांशु, लव गुप्ता, शम्स, बहुत सारे फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे साथ आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? तो आज का हमारा लेक्चर एनिमल किंगडम लेक्चर वन। ओके, टॉप चैट 18 आ गई है, और प्लीज 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 मैं डॉक्टर संजय कौशिक, और सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक एनिमल किंगडम लेक्चर वन। प्लीज लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब दिस सेशन एंड प्रेस बेल आइकन्स। ओके, थैंक यू। नोवल कोरोना वायरस, हेल्प अस टू हेल्प यू, 9111-2397-8046। कंट्रोल रूम एट नेशनल लेवल हैज बीन सेटअप टू एड्रेस क्वेरीज रिलेटेड टू #NCOV। मे रीच दिस नंबर फॉर एनी गाइडेंस, सपोर्ट एंड टेक्निकल क्वेरीज। प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ। ठीक, रैंक अप नीट रिवीजन, हैक्स एंड डाउट सॉल्विंग कोर्सेज स्टार्ट्स फ्रॉम 15th July, एनरोल नाउ। रैंक अप नीट 2020 रिवीजन, हैक्स एंड डाउट सॉल्विंग, गो प्रेप बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, 100+ hours ऑफ लाइव क्लासेस विद DPPs, चैप्टर टेस्ट, नोट्स एंड माइंड मैप, एनहेंस योर स्पीड एंड एक्यूरेसी विद डिटेल्ड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, एक्सपर्ट टीचर्स फ्रॉम कोटा एंड दिल्ली, डे वाइज रिवीजन स्टडी प्लान कवरिंग ऑल चैप्टर्स ऑफ नीट। यस, तो हमारे साथ कौन कौन से फ्यूचर डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं, लेट अस सी कौन कौन से फ्यूचर डॉक्टर्स आ गए हैं। यस, शम्स आ गए हैं, लव गुप्ता, हिमांशु आ चुके हैं, कुलदीप, जावेद, राज मिश्रा, सुहानी भटकर एंड सब, हाय हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। राइट, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रैंक अप जेई रिवीजन, हैक्स एंड डाउट सॉल्विंग ना, स्टार्ट्स 15 July, एनरोल नाउ। रैंक अप जेई 2020 रिवीजन, हैक्स एंड डाउट सॉल्विंग, गो प्रेप बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार्ट 15 July, एनरोल नाउ। 100+ hours ऑफ लाइव क्लासेस विद DPPs, चैप्टर टेस्ट, नोट्स एंड माइंड मैप, एनहेंस योर स्पीड एंड एक्यूरेसी विद डिटेल्ड फुल सिलेबस मॉक, एक्सपर्ट टीचर्स फ्रॉम IITs एंड NITs, डे वाइड रिवीजन क्लासेस, स्टडी प्लान कवरिंग ऑल चैप्टर्स ऑफ JEE मेंस। एनविजन 650+, थैंक यू। और टॉप चैट बढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन प्लीज 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 सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि बढ़िया बढ़िया नोटिफिकेशन आप सबके पास आती चली जाए, ठीक है। एनविजन 650+, 30 days सुपर सीरीज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 12 बजे से 1:30 बजे तक केमिस्ट्री, 1:30 to 3 PM फिजिक्स, 3 PM टू 4:30 PM बायोलॉजी। डेली लाइव क्लासेस, क्लास 11 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 5 PM बायोलॉजी, 6 PM केमिस्ट्री एंड 7 PM फिजिक्स। डेली लाइव क्लासेस, क्लास 12 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 PM बायोलॉजी, 6 PM केमिस्ट्री एंड 7 PM फिजिक्स। थैंक यू सो मच, ठीक है। और फटाफट आप देखते रहिए, फॉर ए स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन
यस गो प्रेप बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेप अप नीट 2022 टू ईयर प्रोग्राम टू क्रैक नीट बैच 2 एक्सपर्ट टीचर्स लाइव इंटरक्टिव क्लासेस स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान डीपीपीज वीकली मंथली टेस्ट इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन क्लास स्टार्ट फ्रॉम 6 जुलाई लर्न अप्लाई एंड प्रैक्टिस यस थैंक यू सो मच क्लासेस बढ़ती चली जा रही है नॉट श्योर अबाउट ऑनलाइन लॉन्ग कोर्सेज ज्वाइन अवर 7-day मिनी कोर्स thoroughly revised and understand the chapter no go preps structured methodology price only rupees 99 100% money back guarantee 11th neet rupees 99 only go prep by the times of india stepping stone to physics concepts of vector in 7 days sanjeev sir from iit bombay 100% money back guarantee oh kis tarah se parda khul raha hai thank you so much wah देख रहे हैं आप किस तरह से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर हम पहुंचे हैं वाह मजा आ गया इसी तरह से आपके लिए नीट का रास्ता भी खुलेगा ठीक है इसी तरह से आपके लिए नीट का रास्ता खुलने वाला है यस थैंक यू सो मच वाह और इससे पहले कि हम शुरू करें कुछ जरा एक बार ये देख लेते हैं कि फ्यूचर डॉक्टर्स कौन क्या बोल रहा है ठीक है तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले हम बात करते हैं कि सेलुलर लेवल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा पहले आप मुझे बताइए कि जो एनिमल किंगडम को हमने कितने फाइलम्स में डिवाइड किया है पहले आप मुझे बताओ यस मैं देख रहा हूं आपकी चैट्स एनिमल किंगडम को हमने कितने फाइलम्स में डिवाइड किया है और उन फाइलम्स के नाम भी बताने पड़ेंगे सिर्फ ये नहीं कि आपने डिवाइड कर दिया और नाम नहीं बताए ठीक है उन एनिमल किंगडम के आपको नाम भी बताने पड़ेंगे पहले सोच लो अच्छी तरह से उसके बाद ही बताना 11 उसमें फाइलम्स में डिवाइड किया गया है पहले सोच लो एक भी गलत नहीं होना चाहिए जो बताना शुरू करेगा हाँ जी ठीक है चैट देख लेता हूं मैं मेरे सामने चैट आ गई है आपकी राकेश रमन कह रहे हैं 5 भूपेंद्र कह रहे हैं 11 ठीक है श्वेता बोल रही हैं हेलो सर अच्छा ठीक है और निसर्ग आदित्य कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर डॉक्टर सान्या बोल रही है 11 बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर सान्या निधि लेकिन कुलदीप ने 11 बोले हैं डॉक्टर सान्या ने 11 बोले हैं और कुलदीप ने 11 बोले हैं ठीक वेरी गुड एसपी सिंह ने 11 बोले हैं अंजलि 5 बोल रही हैं ठीक है नदा 11 बोल रहे हैं राज मिश्रा तो सिर्फ जी बोल रहे हैं अजद 11 बोल रहे हैं मिर्जा 11 बोल रहे हैं वेरी गुड निसार्ग 11 बोल रहे हैं राज भी 11 बोल रहे हैं अब राकेश रमन 11 ही है सर जी बोल रहे हैं मृणाली 11 बोल रही हैं अनन्या 11 लव गुप्ता 11 वेरी गुड ठीक है अब हम देखते हैं ठीक है मैंने सबका देख लिया है कौन कौन क्या क्या बोल रहा है अब हम देखते हैं कि ये 11 कौन से फाइलम्स हैं ठीक है फटाफट देखते हैं पहले देखते हैं कि यस ओके कुलदीप 11 वैष्णवी गर्ग 11 नवीन 11 वेरी गुड तुषार मिश्रा 11 और डॉक्टर तुषार मिश्रा वेरी गुड डॉक्टर तुषार मिश्रा नवीन 11 और डॉक्टर तुषार मिश्रा 11 ठीक है और रेशमा 11 अनमोक 11 ठीक है तो अब हम इनके एक एक करके नाम देखते हैं लेकिन उससे पहले प्लीज मैं डॉक्टर संजय कौशिक और गो प्रेप चैनल के ऊपर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फटाफट पहला हाफ एनिमल किंगडम का देखते हैं आज कितने फाइलम्स कवर कर देते हैं लेकिन उससे पहले आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास बढ़िया बढ़िया नोटिफिकेशन आते रहे आज मैं 200 लाइक लेके जाने हैं
तो सेशन को लाइक कर देना। आपको 200 लाइक से अगर कम चले गए तो फिर मजा नहीं आया बॉस, ये देख लो फिर, ठीक है। लाइक्स कितने चल रहे हैं जरा ये देखते रहो, और आपको डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी गोप्रेप की, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, पहले यस विशाल रेहान, दिव्यांशी गुप्ता, दिव्यांशी गुप्ता ने 11 के 11 फाइलम्स के नाम लिख करके भेजे हैं, वेरी गुड दिव्यांशी, दिव्यांशी ने 11 के 11 फाइलम्स के नाम लिख करके भेज दिए। चलिए देखते 11 कौन कौन से हैं। हां जी, पहला फाइलम कौन सा है, पॉरीफेरा, वेरी गुड। दूसरा फाइलम कौन सा है, सीलेंट्रेटा, वेरी गुड। तीसरा फाइलम कौन सा है, टीनोफोरा, वेरी गुड। चौथा फाइलम कौन सा है, चौथा फाइलम कौन सा है, प्लेटियलमेंथिस, वेरी गुड। पांचवा फाइलम कौन सा है, एस्केलमेंथिस। सिक्स्थ फाइलम एनिलिडा। सेवंथ फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट। एट्थ फाइलम मोलस्का, मोलस्का। नाइन्थ फाइलम इकाइनोडर्म, वेरी गुड। टेंथ फाइलम हेमिकॉर्डेट्स। तुम्हें क्या सोच रहे थे मैं भूल गया, एक सेकंड के लुट गया, तो मुझे 11 के 11 याद है बहुत बढ़िया से। यस साया बिल्कुल सही कह रहे हो, अमोग। ओ हो, अमोग गौतम की भी तो सुन लो यार, अमोग गौतम कह रहे हैं कि लाइक्स ठोको, उनकी भी सुन लो भाई, डॉक्टर अमोग की। हेमिकॉर्डेट्स और 11th वाला कॉर्डेट, इस तरह से 11 फाइलम से एनिमल किंगडम के, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से जरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दो, प्लीज टेल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मृत्युंजय कुमार आ चुके हैं, ठीक है, अनीता आ चुके हैं हमारे साथ, कुलदीप, मृत्युंजय ये बात तो आप उनसे पूछो, एक आदमी की बात आप दूसरे से क्या पूछ रहे हो। मृत्युंजय अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि तुम्हारा फ्रेंड नीट की तैयारी कर रहा है, कितनी तैयारी होगी, तो आप क्या बताओगे? आप ये कहोगे ना, सर मेरे फ्रेंड की क्या पूछ रहे हो, मेरी पूछो ना। तो कौन गोप्रेप में नहीं है और कौन गोप्रेप में नहीं है मृत्युंजय, ये तो आप उन्हीं टीचर से जाकर के पूछो या गोप्रेप वालों से पूछो, मैं आपको क्या बताऊं कि कौन है कि कौन चला गया, ठीक है। मृत्युंजय आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डॉक्टर बनने वाले हो यार 3 महीने बाद, जो गया है या नहीं है वो आप उसी आदमी से पूछो जाकर के, मुझसे आप क्या पूछ रहे हो। I am not the right person to answer you. ठीक है मृत्युंजय, I hope आपको आपका जवाब मिल गया होगा। Yes, yes, okay. अब हम एक एक करके देखते हैं, we will now see one by one. ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताओ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से वाले फाइलम में है, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होता है पॉरीफेरा के अंदर। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर होता है। अच्छा चलो बताओ टिश्यू लेवल किसके अंदर होता है, टेल मी। हां जी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर होता है, चलो बताओ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सिलेंट्रेटा के अंदर मिलेगा, ठीक है, और टीनोफोरा के अंदर मिलेगा। सिलेंट्रेटा के अंदर मिलेगा, टीनोफोरा के अंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। अमोग, दिव्यांशी, अनन्या, कुलदीप, वेरी गुड। हां जी, ऑर्गन लेवल किसके अंदर मिलेगा, टिश्यूज ज्वाइन करके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन लेवल किसके अंदर मिलेगा,
ऑर्गन लेवल मिलेगा आपको, ऑर्गन लेवल मिलेगा प्लेटियल मेंथिस के अंदर। ऑर्गन लेवल आपको प्लेटियल मेंथिस के अंदर मिलेगा। वेरी गुड दीपक, वेरी गुड मिर्जा, यस अंजलि, यस डॉक्टर तुषार, रेशमा, वेरी गुड। और ऑर्गन सिस्टम लेवल किसके अंदर मिलेगा आपको? एसकेल मेंथिस ऑनवर्ड्स। एसकेल मेंथिस ऑनवर्ड्स, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वी विल नाउ कम टू नंबर ऑफ लेयर्स, टू लेयर्स इन द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर दो ही लेयर हैं, तो कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। टू लेयर्स इन द बॉडी, कंडीशन को हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और ये टू लेयर्स कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये दो लेयर कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वेरी गुड कुलदीप, वेरी गुड राकेश, यस अंजलि, वेरी गुड। ठीक है, तो दो लेयर्स कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। देर आर टू लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और डिप्लोब, और इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ डिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक्टो और एंडो को ज्वाइन भी करना पड़ेगा, तो एक सीमेंटिंग सब्सटेंस आता है इनको ज्वाइन करता हुआ, जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोग्लिया बेसिकली एक सीमेंटिंग सब्सटेंस बन जाता है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म को आपस में ज्वाइन करता है। मोस्ट वेलकम डॉक्टर असीका सुल्ताना, यू आर मोस्ट वेलकम। दिव्यांशी, अनीता कदम एंड डॉक्टर राज मिश्रा जी, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और एक्टोडर्म एंडोडर्म को ज्वाइन करता हुआ एक लेयर आता है जिसको हम नाम देते हैं मीजोग्लिया। ये सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर कौन कौन से आते हैं? डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इसके अंदर आते हैं पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। राम धवन यादव आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून राम धवन। अंजलि, ओके, वेरी गुड। स्वाति मित्तल, ओ स्वाति, नाइस टू सी यू आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम स्वाति। अमोग, ओके, रजत, यस, सुभाष, ऑसम, नमस्ते सर जी सुभाष। फ्रेंड्स इंफोटेनमेंट, हेलो, वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आ गए। डॉक्टर सान्या, हाय डॉक्टर सान्या, स्वाति से बात कर रही हैं, अभी हमारे लेक्चर को भी देख रही हैं और साथ साथ डॉक्टर स्वाति के साथ भी वो बात कर रही हैं। अदीब, अदीब हेलो, अदीब कैसे हो आप? ठीक है, ओके। विष्णु, ये ज्यादा अच्छा नाम है विष्णु, इतना लंबा जो आपने नाम लिखा हुआ था एक्चुअली मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था उसको। और स्वाति में और सान्या में हाय हेलो चल रही है अभी आपस में। अदित खान, अदीप खान, आई एम फाइन अदीप, आप कैसे हो अदीप? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा, फिर आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन होते हैं भैया? जिसके अंदर तीन लेयर्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर तीन लेयर्स होते हैं। और थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, ठीक है, क्योंकि एनिमल किंगडम में हम बहुत सारे जानवरों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए गला जो है बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप लोग भी पी लो। ओके, थैंक यू सो मच। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितने लेयर्स आ गए? तीन लेयर्स। तीसरा लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन सा आया? मीजोडर्म। आई एम ओके, निखिल आ चुके हैं, अंजलि दलाल, दीपक गुप्ता, रेहन, लव गुप्ता, अनन्या, अमन, राज मिश्रा, बहुत बढ़िया बढ़िया फ्यूचर डॉक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री लेयर्स, तीन लेयर्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और तीसरा लेयर कौन सा आता है? मीजोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से आएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर कौन कौन से मिलेंगे? प्लेटिहेलमेंथिस,
वाह क्या कलर आ रहा है, टू कॉर्डेट्स। इसके अंदर मिलेंगे प्लेटियल मेंथिस टू कॉर्डेट्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ वस्कुलर सिस्टम। ये वस्कुलर सिस्टम क्या होता है? वस्कुलर सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, वस्कुलर सिस्टम। दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड। अच्छा चलो बताओ ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम होता है कि ब्लड जो है वो ओपन बॉडी स्पेसेस में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स आर्टरी वेन्स में फ्लो नहीं करता। हालांकि आपको एक आर्टरी दिखा रखी है लेकिन वो एक आधी होती है। ज्यादातर ब्लड जो होता है वो ओपन बॉडी स्पेस में ही फ्लो करता है, ओपन बॉडी स्पेसेस। ठीक है, ओपन वास्कुलर सिस्टम, ब्लड फ्लोज इन ओपन बॉडी स्पेसेस। और ये ओपन बॉडी स्पेसेस, और ये ओपन बॉडी स्पेसेस को हम हीमोसील भी कहते हैं, साइनस भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम साइनस भी कहते हैं। इन ओपन बॉडी स्पेसेस को हम साइनस भी कहते हैं। वेरी गुड अमोग, वेरी गुड अमोग। और इसका एग्जाम्पल आएगा आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। इसका एग्जाम्पल आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर, मोलस्का के अंदर कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें क्लोज्ड होता है, लेकिन जनरली जब हम फाइलम लेवल पे बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो जनरली आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जो है वो क्लोज ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, आर्टरीज और वेन्स के अंदर, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज इन क्लोज ब्लड वेसल्स, क्लोज ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन, ठीक है। और क्लोज के एग्जांपल एनिलिड्स और कॉर्डेट्स। लेकिन एनिलिड के अंदर याद रखना, हालांकि क्लोज ब्लड वेसल्स होती है लेकिन वो आर्टरी और वेन में डिवाइडेड नहीं होती, ठीक है। तो एनिलिडा के अंदर क्लोज्ड होता है बट नॉट डिवाइडेड इनटू आर्टरी एंड वेन्स, नो आर्टरी एंड नो वेन। और दूसरा इसका एग्जांपल होता है कॉर्डेट्स, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक ओपन होता है और एक क्लोज्ड होता है। ओपन में ब्लड ओपन बॉडी कैविटीज के अंदर फ्लो करता है, जैसे आर्थ्रोपोडा में, जैसे मोलस्का में। और ये जो ब्लड फिल्ड कैविटीज होती हैं, इनको हम साइनस कहते हैं, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड क्लोज ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, जो आर्टरी और वेन कहलाती है। एनिलिड और कॉर्डेट इसका एग्जांपल है, लेकिन एनिलिड के अंदर वो आर्टरी और वेन नहीं कहलाती, सिर्फ क्लोज ब्लड वेसल्स होती है। कॉर्डेट्स के अंदर आर्टरी और वेन्स आ जानी शुरू हो जाती है। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जब हम कॉर्डेट्स पे पहुंचेंगे या एनिलिड्स में जब जो एक्सेप्शन है वो जब हम उस फाइलम में घुसेंगे तो उस फाइलम के अंदर इंडिविजुअली क्या क्या एक्सेप्शन है ये हम वहां पर डील करेंगे। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड सुल्ताना, वेरी गुड राजमिश्रा। सिलोम क्या होती है? हां जी, मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से, व्हाट इज सिलोम? सिलोम क्या होती है? बॉडी कैविटी। सिलोम होती है बॉडी कैविटी। अच्छा, सिलोम की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिलोम? यस, वेरी गुड साया, वेरी गुड रजीत, डॉक्टर रेमानी, ओ गुड गुड, यस एस पी सिंह, हॉलो कैविटी, वेरी गुड, वेरी गुड अनिता, हॉलो कैविटी, वेरी गुड राकेश, दिव्यांशी, रजीत, अमोग, अदीब, सुल्ताना, राज मिश्रा, वेरी गुड। इट इज ए बॉडी कैविटी। इट इज ए बॉडी कैविटी, ठीक है। हमारे अंदर भी है बॉडी कैविटी, वहां पे कनेक्टिव टिश्यूज भरे होते हैं। सिलोम की डेफिनेशन क्या है? स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल, मतलब एक्टोडर्म एंड गट, मतलब एंडोडर्म।
इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट. नीचे लिख देता हूं मैं, ठीक है. इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, ये इसकी डेफिनेशन का पहला पार्ट है. एंड इट इज कवर्ड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल साइड्स, ये इसकी डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है. एंड कवर्ड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल साइड्स, कवर्ड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल साइड्स, ये इसकी डेफिनेशन का दूसरा पार्ट हो गया. तो हम ये कह सकते हैं इट इज ए बॉडी कैविटी, इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट. बॉडी वॉल एक्टोडर्म होती है, गट एंडोडर्म होती है, एंड कवर्ड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल साइड्स. तो सिलोम की डेफिनेशन में दो चीजें आती हैं. पहली चीज सिलोम की डेफिनेशन में आती है कि ये स्पेस होता है बॉडी वॉल और गट के बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में. और इसकी डेफिनेशन में दूसरी चीज आती है कि ये कवर्ड होता है बाय मेसोडर्म ऑन ऑल द साइड्स. चलिए देखते हैं. देखो ये सिलोम है, ठीक है. ये जो बाहर वाला लेयर है, दिस इज बॉडी वॉल, मतलब ये एक्टोडर्म है, ये गट है, ये आउटर मेसोडर्म है. ये पर्पल वाला इनर मेसोडर्म है. ठीक. और ये सबसे अंदर जो, ठीक है, ये इनर मेसोडर्म है, ये वाला इनर मेसोडर्म है, और ये है एंडोडर्म. तो देखो ये वाला जो है, ये है बॉडी वॉल, ये एक्टोडर्म बनाता है. ये जो पर्पल है ये आउटर मेसोडर्म है, ये वाला जो पर्पल है ये इनर मेसोडर्म है, और ये जो अंदर ग्रे सा है ये है एंडोडर्म, ठीक है. और सबसे अंदर ल्यूमेन है, ल्यूमेन जिसके अंदर हम खाना डालते हैं, दिस इज ल्यूमेन. क्लियर हो गया, ठीक है. और ये वाली जो जगह मिल गई सफेद वाली, ये सिलोम है, दिस इज सिलोम. तो सिलोम देखो स्पेस है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड कवर्ड बाय मेसोडर्म. जो पर्पल वाला है वो सारा मेसोडर्म है. तो सिलोम की डेफिनेशन में दो चीजें आती हैं, ठीक है. सिलोमेट्स कौन होते हैं? सिलोमेट्स आपको मिलेंगे एनिलिडा टू कॉर्डेट्स, एनिलिडा टू कॉर्डेट्स सिलोमेट्स होते हैं. वेरी गुड एसपी सिंह. गट, अंजलि, गट एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं. अंजलि आपने पूछा गट क्या होता है, गट हम एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं. बिल्कुल एसपी सिंह आप सही करो, ठीक है. मेसोग्लिया तो सिर्फ एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, स्यूडोसिलोम, दिस इज फॉल्स सिलोम. ये फॉल्स सिलोम होती है, ठीक है. इसमें क्या है कि एक डेफिनेशन तो फुलफिल हो रही है कि ये स्पेस है बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, लेकिन इसकी सिलोम की दूसरी डेफिनेशन फुलफिल नहीं हो रही कि इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन ऑल द साइड्स. मेसोडर्म से ये लाइंड नहीं होती क्योंकि मेसोडर्म तो खुद पाउचेस की फॉर्म में होता है. स्यूडोसिलोमेट्स के एग्जांपल्स कौन से होंगे? एस्केल्मेंथस, और तीसरा ग्रुप आता है एसिलोमेट्स. एसिलोमेट्स होते हैं जिनके अंदर सिलोम होती ही नहीं है. देखो सिलोम है ही नहीं. ये देखो ये एक्टोडर्म है बॉडी वॉल, ये देखो ये मेसोडर्म आ गया, और ये देखो ये एंडोडर्म आ गया. तो सिलोम तो आई ही नहीं कोई भी, ये तो ल्यूमेन है, दिस इज ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है, सिलोम आई नहीं, ठीक है. तो देर इज नो सिलोम, ठीक है. एसिलोमेट्स के एग्जांपल बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, प्लेटियलमेंथस.
प्लेटीहेलमेंथस, ये हो गया ए सिलोमेट्स का एग्जांपल। टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान्स इन एनिमल किंगडम, एक होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और एक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। दो तरह के बॉडी प्लान होते हैं, एक होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान और एक होता है ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, दो तरह के बॉडी प्लान होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। एक होता है ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है बॉडी में, ब्लाइंड सैक कहते हैं इसको, सैक नहीं कहते, इसकी फुल फॉर्म है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड होता है जहां दूसरा रास्ता ना हो, कहते हैं ना ब्लाइंड रोड है, आगे जाकर के बंद है, ठीक है। तो ब्लाइंड सैक होता है जहां पे एक ही ओपनिंग होती है बॉडी में, दे हैव एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद ओनली वन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होती है इनकी बॉडी के अंदर। देख लेते हैं डॉक्टर्स हमारे क्या आपस में बात कर रहे हैं, चैट क्या कर रहे हैं वो। डॉक्टर रहमानी बिल्कुल सही कह रहे हो, सान्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमोघ थैंक यू, ओके डॉक्टर रहमानी ठीक, और रिहान। और इससे पहले कि हम आगे चले, जरा लाइक्स का तो जिक्र हो जाए, क्या लाइक्स चल रही है आजकल। मैं डॉक्टर संजय कौशिक, ठीक है, और गो प्रेप चैनल के ऊपर सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज 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 बेल आइकन दबा दीजिए, आपके पास बढ़िया बढ़िया नोटिफिकेशन एकेडमिक से रिलेटेड पहुंचते रहेंगे, ठीक है। हम लोग यहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स पढ़ाते रहते हैं और जो नीट 2020 है उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार करके छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप फटाफट क्लियर कर जाओ नीट 2020। थैंक यू दीपा, थैंक यू सो मच तुषार, एसपी सिंह थैंक यू सो मच, थैंक यू सुपर कोचिंग, ठीक है। एनिमल्स विद ए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हैव एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली वन ओपनिंग, एनिमल्स विद ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दो ओपनिंग्स होती है, ठीक है। और ये जो दो ओपनिंग्स होती हैं, एक होती है माउथ और एक होती है एनस, देर आर टू ओपनिंग्स, वन इज माउथ एंड अनदर इज एनस। थैंक यू राम धवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सान्या, सुरेंद्र, सुहानी थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, इसमें आएगा सीलेंट ट्रेटा और इसमें आएगा टीनोफोरा, और ट्यूब विद इन ट्यूब के अंदर एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड्स। ट्यूब विद इन ट्यूब एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड्स, भाई साहब सेगमेंटेशन आ गया है, लेकिन 200 लाइक लेके ही जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, 200 लाइक्स तो आज पहुंचने ही पहुंचने हैं। थैंक यू सो मच दीपा, शालिनी वेरी गुड, सक्षम, यस सक्षम, बिल्कुल आप बिल्कुल सक्षम हो इसी साल नीट क्लियर करने में। अभी आपके पास करीब करीब 70 डेज है, करीब करीब 65-66 डेज है सक्षम, बस आज से ही लग जाओ, अपनी एनसीईआरटी की बुक्स खोलो सक्षम, गो प्रेप चैनल के साथ जुड़ो और फिर देखो नीट 2020 में आप कितना बढ़िया रैंक निकाल के लाते हो सक्षम। थैंक यू सक्षम, हाँ बिल्कुल सुहानी मैं करता हूं, ठीक है, लेकिन बीच बीच में व्हाइट भी आ जाता है इसलिए मैं अभी थोड़ा रुका हुआ हूं। सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है बॉडी इज डिवाइडेड सेगमेंटेशन बॉडी इज डिवाइडेड इंटू मल्टीपल पार्ट्स बॉडी इज डिवाइडेड इंटू मल्टीपल पार्ट्स कोई बात नहीं रजित, आप समझने की कोशिश करो, गो प्रेप पे हमारे साथ बहुत बढ़िया बढ़िया फिजिक्स के टीचर हैं, अगर आप उनकी क्लासेस अटेंड करोगे फिजिक्स आपको फटाक से समझ में आएगी रजित। बॉडी इज डिवाइडेड इंटू मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है, तो बॉडी को हमने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया, बॉडी डिवाइडेड इंटू मल्टीपल पार्ट्स, और इस तरह से डिवाइड की जाती है कि एटलीस्ट सम ऑफ द ऑर्गन्स आर सीरियली रिपीटेड सच दैट
some of the organs. Are serially repeated. इस तरह से डिवाइड की जाती है कि सम ऑफ द ऑर्गन्स आर सीरियली रिपीटेड. वेरी गुड सान्या. जैसे सेगमेंटेशन आपको तीन ही एनिमल्स के अंदर मिलेगी. सेगमेंटेशन आपको सिर्फ मिलेगी एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉडेट्स. तीन ही एनिमल्स के अंदर सेगमेंटेशन मिलती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉडेटा. सेगमेंटेशन सिर्फ तीन एनिमल्स के अंदर मिलती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉडेट्स. और किसी भी फाइलम के अंदर सेगमेंटेशन नहीं होती. सिर्फ तीन फाइलम्स में सेगमेंटेशन होती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉडेटा. सिमेट्री, टाइप्स ऑफ सिमेट्री. मनीष आप कोई डर की बात नहीं है. मनीष रजित अगर फिजिक्स समझ में नहीं आती है आप अपना गो प्रेप के साथ जुड़े रहिए. गो प्रेप पर देखिए कितने बढ़िया बढ़िया फिजिक्स के टीचर्स हैं. आप उनके लेक्चर्स अटेंड कीजिए, आप देखिए कितनी बढ़िया फिजिक्स आपको समझ में आएगी. डरिए मत फिजिक्स से, राइट? तो मैं डॉक्टर संजय कौशिक, और फटाफट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि गो प्रेप पर कितने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम्स लगातार चलते हैं. एकेडमिक से जुड़े हुए एक से एक बढ़िया चीजें हम लगातार आपके सामने ला रहे हैं. टाइप्स ऑफ सिमेट्री, एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल, नो सिमेट्री. स्पॉन्जेस, जनरली स्पॉन्जेस की कोई सिमेट्री नहीं होती, दैट इज नोन एज एसिमेट्रिकल. वंदना हमारे साथ आ चुकी है, हेलो वंदना कैसे हो. अंजलि, अदिब, थैंक यू अदिब सो मच. राम धवन, वेरी गुड. मनीष, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, दूसरे होते हैं रेडियल सिमेट्री. अच्छा, मान लो ये जो पेन है मेरे पास, ये बिल्कुल गोल है, सिलेंडर के जैसा है. अगर मैं उसको ऐसे काटूं तो दो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, ऐसे काटूं तो भी दो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, ऐसे काट दूं तो भी दो इक्वल पार्ट बन जाएंगे. अगर कोई सिलेंड्रिकल चीज है और मैं उसको सेंटर से काट रहा हूं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, तो दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे. दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री, उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं. वाह, वेरी गुड. ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री, if an animal can be cut, if an organism can be cut into can be cut into two equal parts by any number of line passing through the center, to hum usko naam dete hain radial symmetry, then that is known as radial symmetry. Radial symmetry aapko kahan kahan milengi? Radial symmetry aapko milegi cylindrata aur milegi ctenophora. सिलेंट्रेटा के अंदर मिलेगी और टीनोफोरा के अंदर मिलेगी. ठीक है, एंड एडल्ट्स ऑफ इकाइनोडर्म्स. एडल्ट्स ऑफ इकाइनोडर्म, वेरी गुड, सही जा रहे हैं, वेरी गुड. यस राज मिश्रा, सक्षम, बिल्कुल मिल जाएंगे सक्षम. आप एक बार ज्वाइन तो करिए, आप देखिए शुरू से आखिर तक के कितने सारे वीडियोस आपको YouTube पर और हमारे चैनल पर मिल जाएंगे. सक्षम, बस आप आज मन में सोच लीजिए कि मुझे डॉक्टर बनना है. ठीक है, एनसीईआरटी की मदद लीजिए और गो प्रेप के साथ जुड़ जाइए और देखिए क्या बढ़िया डॉक्टर बनते हैं आप. इसी साल 60-65 दिनों के बाद 13 सितंबर को जो नीट हो रहा है सक्षम, आप देखना उसमें कितनी बढ़िया रैंक निकालोगे. आप सक्षम हो, ये कभी मत भूलना. ओके, अमोग ने स्नेहा जी को हैप्पी बर्थडे बोलना शुरू कर दिया है. थैंक यू श्वेता, थैंक यू श्वेता सो मच, थैंक यू श्वेता सो मच. श्वेता कह रहे हैं बेस्ट टीचर ऑफ जियोलॉजी, थैंक यू, ऑफ बायोलॉजी. ओके, पूरी बायोलॉजी, थैंक यू सो मच श्वेता. ठीक है मनीष, वेरी गुड मनीष. अच्छा, अब आ गए हम बीटल्स पे. अच्छा, अगर हमने किसी भी एनिमल को
एक ही लाइन से ऐसे काट पा रहे हैं कि दो राइट और लेफ्ट पार्ट बन जाए, तो वो कहलाती है बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी कट इनटू टू पार्ट्स राइट एंड लेफ्ट देन इट इज नोन एज बायलैटरल सिमेट्री। हमें जैसे एग्जाम्पल प्लेटिहेलमिंथस ऑनवर्ड्स, प्लेटिहेलमिंथस ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ सिमेट्री। थैंक यू सुल्ताना, डॉक्टर सुल्ताना। नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड होती है सिंगल हॉलो डॉर्सल नोटोकॉर्ड, सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ। प्रेजेंट ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ लाइफ नोटोकॉर्ड, यस, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। ज्यादातर कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है और बर्थ के बाद वो रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम। ऐसे एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, हमारे अंदर भी नोटोकॉर्ड रही होगी। कब रही होगी वो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड? हमारे अंदर नोटोकॉर्ड रही होगी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। बर्थ के बाद किससे रिप्लेस हो गई? बर्थ के बाद रिप्लेस हो गई बाय वर्टिब्रल कॉलम। कॉर्डेट्स के अंदर चार कॉमन फीचर्स होते हैं जो कभी ना कभी लाइफ में जरूर आते हैं। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होगी ज्यादातर में, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो जाती है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो जनरली ज्यादातर कॉर्डेट्स के अंदर बंद हो जाते हैं, कुछ जैसे फिश है उनके अंदर फंक्शनल रह जाते हैं, एंड ए पोस्टर्नल टेल। हमारे अंदर भी पूछ रही होगी एनएस के बाद, कब रही होगी? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ठीक है, तो ये चार कैरेक्टर्स बेसिकली हर कॉर्डेट के अंदर कभी ना कभी जरूर पाए जाते हैं। ओके, देन वी कम टू फाइलम पॉरीफेरा। फर्स्ट फाइलम, फाइलम पॉरीफेरा, ये पहला फाइलम है, फाइलम पॉरीफेरा। नोटोकॉर्ड मनीष एक सिंगल रॉड के जैसा, रीढ़ की हड्डी होती है जैसे, मनीष जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, वो वर्टिब्रल कॉलम है, उसी टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। हमारे में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में था सपोर्ट के लिए, स्केलेटन होता है मनीष एक तरह से। थैंक यू सो मच। फाइलम पॉरीफेरा, हां जी, एनिमल्स कंटेनिंग मल्टीपल पोर्स, वो जानवर जिनके मल्टीपल पोर्स होते हैं। पहली बात हो गई थी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर टिश्यूज नहीं होते, सेल ही होते हैं, और ये सेल बहुत सारे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये सेल ऐसे एक साथ आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं सेल एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल इकट्ठे हो गए, रिपब्लिक ऑफ सेल्स है, सेल एग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, इससे पहले कि मैं एक घूंट पानी पी लूं, जब तक मैं पानी पीऊं तब तक आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। 200 लाइक लेके जाने आज। ओके, डॉक्टर सुल्ताना, ठीक है, रेडियल सिमेट्री या फिर एसिमेट्रिकल होते हैं। एडल्ट्स में एक आदमी जैसे साइकॉन वगैरह में रेडियल होती है, बाकी जनरली एसिमेट्रिकल होते हैं। टोटिपोटेंट सेल्स, ये टोटिपोटेंट सेल्स क्या होते हैं? टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं जो किसी भी और तरह के सेल को जन्म दे सके। तो व्हाट आर टोटिपोटेंट सेल्स? टोटिपोटेंट सेल्स आर दो सेल्स विच कैन गिव राइज टू एनी अदर टाइप ऑफ सेल, जो किसी भी और तरह के सेल को जन्म दे सकते हैं, दे आर टोटिपोटेंट सेल्स, सिंपल। ठीक है, पोजेस यूनिक फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड क्वेनोसाइट्स, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं। ये क्वेश्चन दो बार पूछा हुआ है लगातार, ये क्वेश्चन AIPMT नीट के अंदर दो बार लगातार पूछा है कि क्वेनोसाइट्स कहां पर मिलते हैं। क्वेनोसाइट्स पॉरीफेरा के अंदर मिलते हैं और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं।
वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम होता है इसका फीचर है ये, वाटर कैनाल सिस्टम, इसका फीचर होता है वाटर कैनाल सिस्टम। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, आउटर एंड इनर लेयर मतलब दो ही लेयर होते हैं उसके अंदर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, लेयर्स डिवाइडेड बाय ए नॉन सेलुलर लेयर मीजोहाइल। मीजोहाइल बेसिकली एक लेयर नहीं है, ये सिर्फ एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है, ठीक है। बॉडी सपोर्ट और स्केलेटन प्रोवाइडेड बाय स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, और ये स्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, सिलिकन के होते हैं, और स्पॉन्जिन या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। ये देखिए इसके अंदर बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं, ऑस्टिया जो होते हैं दे एक्ट एज माउथ, ठीक है, या इनलेट होता है ऑस्टिया, इनलेट। ऑस्कुलम जो होता है दैट इज एनस, या फिर आउटलेट भी कहते हैं इसको, एनस भी होती है आउटलेट भी होती है। इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं, ठीक है, कैविटी होती है स्पॉन्जोसील। पानी ऑस्टिया से एंटर करता है और ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। वाटर एंटर्स थ्रू द ऑस्टिया एंड गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम, पानी ऑस्टिया के थ्रू जाता है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। ऑस्कुलम एनस होता है, आउटलेट होती है, इसको कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इट इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। यस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक। साइकॉन, क्लियोना, क्लियोना क्या होता है, क्लियोना बोरिंग स्पॉन्ज होता है, क्लियोना बोरिंग स्पॉन्ज, क्लियोना इज बोरिंग स्पॉन्ज, ठीक। स्पॉन्जिला क्या होता है, स्पॉन्जिला होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। व्हाट इज स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, क्लियोना बोरिंग स्पॉन्ज होता है। बोरिंग का मतलब क्या हुआ, पेनिट्रेट करने वाला, ये इसमें ऑयस्टर्स में छेद कर देता है, इट कॉजेज, इट पेनिट्रेट्स ऑयस्टर्स, डेंजरस टू ऑयस्टर इंडस्ट्रीज, क्लियोना। यू स्पॉन्जिया, कॉमन बाथ स्पॉन्ज। यू प्लेक्टेला, गिवन एज वेडिंग गिफ्ट इन जापान, और यू प्लेक्टेला के अंदर ना श्रिम्स चले आते हैं, मेल और फीमेल। यू प्लेक्टेला सिग्निफाई करता है टिल डेथ डू अस अपार्ट, जब तक मौत जुदा करे। सीलेंट्रेटा दूसरा फाइलम, सीलेंट्रेटा सेकेंड फाइलम, सेकेंड फाइलम सीलेंट्रेटा। अब पहली बार आया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस यस कृष्णले, एसपी सिंह, ऑस्कुलम एसपी सिंह आउटलेट होता है, एनएस की तरह काम करता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड लैक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अभी टिश्यूज हैं, सेल्स ने ज्वाइन करके टिश्यूज बना दिया। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स हैव रेडियल सिमेट्री, ज्यादातर के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, एक आदि होता है जो बाय रेडियल होता है, अदरवाइज ज्यादातर के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। मैनी सिलेंट्रेट्स फॉर्म ए हार्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ लाइम, ठीक है, दीज आर कोरल्स जैसे हाइड्रा वगैरह होते हैं। सिलेंट्रेट्स के अंदर दो तरह के बॉडी फॉर्म होते हैं, पॉलिप और मेडुसा, ठीक है, इसके दो तरह के बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप एंड मेडुसा, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप जो होता है वो सॉलिटरी होता है, ठीक है, और फिक्स होता है और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जबकि मेडुसा जो होता है वो, मेडुसा जो होता है फ्री स्विमिंग होता है और जेलीफिश जैसे मेडुसा है, ठीक है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। ये देखो आप, दिस इज पॉलिप, दिस इज मेडुसा, ब्यूटीफुल डायग्राम। ये माउथ है और एनस एक ही होता है, सिंगल ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है। देयर इज ओनली वन ओपनिंग व्हिच एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है, और वो ओपनिंग होती है, और यस बिल्कुल से कह रहे हो, सिंगल ओपनिंग, बिल्कुल से कह रहे हो, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है इस फाइलम के, अच्छा, इसमें पॉलिप और मेडुसा दो तरह की मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म,
दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज एंड दिस इज मेडुसा। दो तरह की मॉर्फोलॉजी, पॉलीमॉर्फिज्म। कई बार क्या होता है, जैसे ओबेलिया है, वो एक ही जानवर दोनों तरह की मॉर्फोलॉजी दिखाता है, दैट इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, और मेटाजेनेसिस भी कहते हैं हम उसको, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस भी कहते हैं उसको। वेरी गुड। पॉलिप रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, मेडुसा रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, पॉलिप रिप्रोड्यूसेस ए सेक्सुअली, मेडुसा रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, ठीक है। पॉलिप मेडुसा को जन्म देता है ए सेक्सुअली और मेडुसा पॉलिप को जन्म देता है सेक्सुअली। और याद रखना, इसके अंदर ना बहुत जबरदस्त सेल होते हैं नीडोब्लास्ट, ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं स्वाइलम के, डंक मारने वाले सेल होते हैं स्वाइलम के, मेंट फॉर ऑफेंस डिफेंस एंड फूड कैप्चरिंग, ठीक है। हाइड्रा जेलीफिश और कुछ के अंदर ना हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम की, जिनको हम कोरल्स कहते हैं। थर्ड फाइलम टीनोफोरा, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, इनको हम कॉमनली कॉम जेलीज कहते हैं, कॉमनली नोन एज कॉम जेलीज। थैंक यू। मुझे पता है सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप सबने कर दिया है, बेल आइकन दबा दिया है, और मैं डॉक्टर संजय कौशिक आज तो 200 लाइक लेकर के जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लीजिए, लेस देन 100 स्पीसीज ऑल मैरीन, सब समुद्र में ही पाए जाते हैं और सारे के सारे जेलीफिश के जैसे लगते हैं। कंप्लीट गट, माउथ और एनस दोनों मौजूद होती हैं, है ना, माउथ इज प्रेजेंट, एनस इज प्रेजेंट। बॉडी जो होती है जेली की तरह होती है, 8 रोज ऑफ सीलिया ऑन सरफेस फॉर प्रोपल्शन, ठीक है। और ये जो सीलिया होते हैं ना, एक कंघे की तरह लगते हैं, दे लुक लाइक कॉम्ब, कंघा होता है जैसे, इसलिए हम इसको कॉम्ब जेलीज कहते हैं। ये सबसे बड़े एनिमल्स होते हैं जिसमें सीलिया यूज होता है फॉर लोकोमोशन। टू लॉन्ग टेंटिकल्स विदाउट स्टिंगिंग सेल्स, दो लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं लेकिन इसके अंदर स्टिंगिंग सेल्स नीडोब्लास्ट एब्सेंट होते हैं। और इनके अंदर एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होते हैं कॉलोब्लास्ट, दे सिक्रीट स्टिकी सब्सटेंस ताकि ये चिपक जाए। होमोफोडाइट होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या हुआ, चमकते हैं, ग्लो करते हैं। ये देखिए, दिस इज टीनोप्लेना प्लूरोब्रैंकिया, और इसका लार्वा क्या कहलाता है, साइडिपिड लार्वा। रेस्ट और रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल है, एसेक्सुअल नहीं है। फाइलम प्लेटेलमेंथस डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं ये, प्लेटी का मतलब ही फ्लैट होता है भाई, घर में जो खाना खाते हो प्लेट पे खाते हो ना, फ्लैट। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी, इनको हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनमें से ज्यादातर हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पैरासाइट्स होते हैं, मोस्टली पैरासाइट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। फ्लैट वॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, पहली बार देखो बायलेटरल सिमेट्री आई, पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आई, एक्टोडर्म एंडोडर्म के अलावा मेसोडर्म भी आ गया, ए सीलोमेट्स, सीलोम नहीं होती, और पहली बार आया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड सकर्स भी होते हैं और इनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी सरफेस ऑफ द होस्ट। इनके जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है, ज्यादातर होमोफोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। प्लेनेरिया इज अलाइव अंडर एज ऑफ द नाइफ, आप उसे काट के हटोगे तब तक वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। प्लेनेरिया याद रखना फ्री लिविंग होता है, प्लेनेरिया इज फ्री लिविंग। बाकी के जितने भी होते हैं वो ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, इनमें से कुछ फ्लूक्स होते हैं जैसे लिवर फ्लूक हो गया, कुछ टेप जैसे होते हैं जैसे टेप वॉर्म है, टीनिया सोलियम, पोक टेप वॉर्म, टीनिया सेजिनेटा, बीफ टेप वॉर्म, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटेलमेंथस। This is tapeworm, Tinea solium.
ए इज टेप वॉर्म, टेप वॉर्म का साइंटिफिक नेम टीनिया सोलियम, है ना, पोर्क खाने से, बीफ खाने से हो जाता है, अगर टीनिया सोलियम है तो पोर्क खाने से होगा, टीनिया सेजिनेट है तो बीफ खाने से होगा, एंड दिस इज लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक, दिस इज टीनिया सोलियम टेप वॉर्म एंड दिस इज फेस्टियोला हेपेटिका, दिस इज फेस्टियोला हेपेटिका जिसको लिवर फ्लूक कहते हैं, ये शीप के अंदर पैरासाइट होता है और स्नेल इसका सेकेंडरी होस्ट होता है, शीप के अंदर एक बीमारी करता है लिवर रॉट, ठीक है, और टीनिया सोलियम हमारे अंदर बीमारी करता है टीनियासिस। एस्केल्मेंथिस, बॉडी ऑफ द एस्केल्मेंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड वॉर्म्स, ठीक है, ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं, दे मे बी फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहली बार फर्स्ट टाइम आया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बायलेट्रल सिमेट्री प्लेटेलमेंथिस में आ चुकी थी तो इसमें भी आएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन लेयर्स होते हैं बॉडी के अंदर, और ये हो गए सूडोसिलोमेट्स, प्लेटेलमेंथिस ए सिलोमेट्स थे एंड दे आर सूडोसिलोमेट्स, प्लेटेलमेंथिस ए सिलोमेट्स थे, दे आर सूडोसिलोमेट्स। एलिमेंट्री कनाल कंप्लीट होती है और इनके अंदर एक बहुत ही मस्कुलर फेरिंग्स होती है, मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है विच रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्ट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, है ना, जनरली ये डायोशियस ही होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं, यू कैन सी दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, दिस इज एस्कैरिस, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। थैंक यू अमोग, थैंक यू अमोग सो मच, अमोग थैंक यू सो मच, अमोग थैंक यू सो मच, यस, बिलाल आ चुके हैं हमारे साथ, हेलो बिलाल, हाउ आर यू बिलाल, अरविंद उपाध्याय, रपेला नीरज, बिलाल थैंक यू सो मच, अमोग राउंड वॉर्म्स, बिल्कुल से कह रहे हो अमोग, दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म्स, मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, देख रहे हो आप, मेल अलग है फीमेल अलग है, फीमेल्स जनरली आर लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है, फीमेल्स की जो लेंथ होती है वो मेल्स के मुकाबले लंबी होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब ये इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, अगर तो लार्वा मौजूद है तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, अगर लार्वा मौजूद है तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, सॉरी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, अगर लार्वा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और अगर लार्वा नहीं है तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो इफ लार्वा इज प्रेजेंट देन इट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इफ लार्वा इज एब्सेंट देन इट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो एग्जाम्पल्स हैं इसके, एस्कैरिस राउंड वॉर्म, वुचेरेरिया फाइलेरिया वॉर्म एंड साइलोस्टोमा, ठीक है, एस्कैरिस इज द कॉमन राउंड वॉर्म, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, से एस्कैरिस ट्रांसमिट होता है, सीधा हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है, कहते हैं ना पेट में कीड़े हैं वो यही होते हैं एस्कैरिस, एस्कैरियसिस नाम की बीमारी करते हैं, ठीक है, दे कॉज इट डिसीज एस्कैरियसिस। वुचेरेरिया जो होता है वो एलिफेंटियासिस करता है, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय फीमेल फीमेल क्यूलेक्स। एनसाइलोस्टोमा हुकवाम होता है, नंगे पैर जब घास पर चलते हैं तो वहां पर ये इसका लार्वा पैरों की उंगलियों के बीच में से पेंट्रेट कर जाता है और सीधा पहुंचता है ड्यूडेनम में, तो इसलिए इसका पूरा नाम होता है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। ये भी बीमारी करता है एनसाइलोस्टोमियासिस, जो एलिमेंट्री कैनाल की प्रॉब्लम करती है। एनिलिडा, दे मे बी एक्वेटिक, मैरीन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग है और कई बार पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एस्कैरिस में ही आ गया था, एस्केल्मेंथिस में ये आ गया था ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ही चलता है अब तो। बायलेट्रल सिमेट्री होती है, बायलेट्रल सिमेट्री चलती रहती है, लेकिन इकाइनोडर्म्स के एडल्ट्स में जाकर के फिर से एक बार रेडियल सिमेट्री आती है, लेकिन इकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है उसमें बायलेट्रल ही होती है, ठीक है, उसके अंदर बायलेट्रल ही रहती है जो इकाइनोडर्म्स का लार्वा होता है, लेकिन वैसे ही इसमें एडल्ट्स में इकाइनोडर्म के वापस रेडियल आ जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर एनिलिडा में तो बायलेट्रल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर्स होते हैं बॉडी के अंदर, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मेसोडर्म, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कोरस्पॉन्ड्स टू इंटरनल सेगमेंटेशन,
एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी है, इंटरनल सेगमेंटेशन भी है, और दोनों एक दूसरे को करस्पॉन्ड करते हैं. सिलोमेट एनिमल्स, ट्रू सिलोम होती है इनके अंदर. देयर बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामेयर्स. इनकी बॉडी में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, इसलिए इनका नाम एनिलिडा होता है. एन्यूलस का मतलब होता है रिंग्स. दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन. ठीक है, वैसे तो लोकोमोटरी ऑर्गन सीटें भी होते हैं. ठीक है, सीटें भी इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं. सीटें ऑल्सो एक्ट एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लेकिन जनरली ये मसल्स के थ्रू चलती हैं. दे है ना, और इनके अंदर पैरापोडियाज भी होते हैं, याद रखना. पैरापोडिया आउटग्रोथ होते हैं, पैरापोडियाज आर आउटग्रोथ. ठीक है, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है, लीच है, नेरिस है. ठीक, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब अपेंडेजेस या लेग्स. जॉइंटेड लेग्स. लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, सबसे बड़ा फाइलम है, विच इंक्लूड इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स लार्जेस्ट क्लास होती है एनिमल किंगडम की. 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स. ज्यादातर हमारे पास जो फाइलम्स हैं, ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स ही होते हैं. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. ऑर्गन सिस्टम है, देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट्स. ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड मैंने बताया था, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, तीन ही फाइलम सेगमेंटेड होते हैं. ठीक, बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिन. काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन होता है, नाग होता है काइटिन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन. जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, आर्थ्रो का मतलब जॉइंटेड, पोडा का मतलब अपेंडेजेस. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम होता है. गिल्स आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है एक्वेटिक और आर्थ्रोपोड्स के अंदर मिलेंगे. बुक गिल्स आपको किंग क्रैब के अंदर मिलेंगे, गिल्स क्रैब के अंदर मिलेंगे. बुक लंग्स आपको मिलेंगे स्पाइडर्स में और स्कॉर्पियंस में. ट्रैकियल सिस्टम आपको इंसेक्ट्स में मिलेगा. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, ब्लड जो है वो ओपन ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है. सेंसरी ऑर्गन्स एंटीना होते हैं, आईज होते हैं. आईज जनरली आपको इंसेक्ट्स में दो तरह की मिलेंगी, कंपाउंड आईज एंड सिंपल आईज. कंपाउंड आईज विजन के लिए होती है, और सिंपल आईज जो होती है वो फोटो रिसेप्टर होती है. स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं. एक्सक्रीशन थ्रू मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स. इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड भी होते हैं, जैसे क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड होते हैं, क्रैब प्रॉन लॉब्स्टर्स में. मोस्टली डायोशियस, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जनरली इंटरनल होता है. ओवीपेरस, दे आर एग लेइंग होते हैं. डेवलपमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट होता है जब सीधा एग से एडल्ट बनता है, जैसे सिल्वर फिश. लेपिज्मा, लेपिज्मा में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. इनडायरेक्ट होता है एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट. ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे एपिस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, हनी भी, हमें हनी और वैक्स देती है. बॉम्बिक्स, सिल्कवॉर्म, सिल्क देता है हमें. लेसिफर हमें लाग देता है. यू कैन सी लोकस्ट, ये तो डेंजरस इंसेक्ट है, ग्रुप्स में आता है और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर जाता है. बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन, ये कुछ कॉमन आर्थ्रोपोड्स थे. ठीक है, सो दैट वॉज अबाउट टूडेज क्लास. अगली क्लास जब हम एनिमल किंगडम की लेंगे, तो हम फाइलम मोलस्का से आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव ए नाइस डे. गो प्रेप के साथ जुड़े रहिए, और प्लीज 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 पढ़ाई करते रहिए. नीट आपको रैंक के साथ क्लियर करना है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मैं डॉक्टर संजय कौशिक, प्लीज सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ज्यादा से ज्यादा. देखते हैं, मेरी और आपकी 200 लाइक्स की बात हुई थी, देखते हैं कितने लाइक्स आते हैं. थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.